नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2012 के बाद जो शिक्षक गण जिनका वेसीपी आवेदन करना है और सबके मन में एक बात होती है कि मेरा जब वेसीपी हो जाएगा तो मेरा वेतन कितना होगा, तो फिटमेंट कैसे होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है एसीपी का, क्योंकि 2012 में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनका तो पहला अनुभव है। हालांकि सब कर लेते हैं एक दूसरे से चर्चाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एसीपी के बाद वेतन निर्धारण, इसका आदेश कैसे बनता है वो पूरा फिटमेंट करना दिखाऊंगा। एसीपी पर वेतन जो एसीपी का जो आपको आवेदन करना है शाला दर्पण से, वो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, वहां से आप, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जो है एसीपी का फॉर्म जो ऑनलाइन करना है उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। एसीपी पर फिटमेंट कैसे होता है, ये मैंने एक आदेश बनाया हुआ है जिससे जब हम एसीपी का जो आपका जब आदेश आ जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से, तो वहां से आप कार्यालय से यानी कि आपके पीओ से एक आदेश बनेगा, तो वहां पर पीओ का विद्यालय का नाम लिख दें और उसके बाद में कार्यालय आदेश लिखते हुए, तो यह आदेश मैंने किसी संयुक्त निदेशक के वहां से हुआ था, तो आपको आपके जो आदेश है जो 9 वर्ष वाले हैं उनके लिए किस तरह से बनेगा, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो भी आपका जिला है उसका नाम आ जाएगा, के आदेश क्रमांक, उसमें आदेश क्रमांक आते हैं, दिनांक आते हैं, कि अनुपालना में आपका नाम आ जाएगा, आपकी अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक जो भी हैं आप, वो यहाँ पे लिखा जाए कि सेवाएं कितनी तारीख को, आपकी 9 साल की सेवाएं कितनी तारीख को, वो तारीख आ जाएगी, को 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर राजस्थान सिविल सेवाएं पुनर्नियतन 2017 के नियम 14 के अंतर्गत आश्वासित कैरियर एस प्रगति एसीपी स्वीकृत जाने से इनका वेतन निर्धारण इस प्रकार से होगा। अब आपको वेतन निर्धारण कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि एक काल्पनिक तिथि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने की कार्यग्रहण तिथि है 11/9/12, तो आपके 9 साल का पूरे हो गए 11/9/21 को, उस दिन मान लीजिए आपका वेतन है 21,500, तो 21,500 जो जिस दिन आपके 9 साल पूरे हुए उस दिन आपका वेतन क्या है उससे निर्धारण होता है। आप 6 महीने बाद फॉर्म भर रहे हैं तो 6 महीने बाद का जो वेतन है उससे भी निर्धारण नहीं होगा, जबकि जिस दिन आपके 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उस दिन से निर्धारण होगा, तो आपके 9 वर्ष का पूर्ण हो गया 11/9/21 को। इसमें क्या होगा कि सरकार के द्वारा एक पे मैट्रिक्स वर्क की टेबल बनाई गई है, उस टेबल में क्या होता है कि जब आपको एसीपी मिलती है तो 26 एक तहत आपको एक अपर और एक लोअर दिया जाता है, तो अपर जो जो वेतन आप ले रहे हैं उस पर एक इंक्रीमेंट लगा देना है आपको, जैसे मान लीजिए 41,500 है तो उस पर जब एक इंक्रीमेंट लगाएंगे तो 42,700 हो जाएगा, यानी कि एसीपी पर एक वेतन वृद्धि लगाएंगे, तो 42,700 कैसे होगा, जब इस टेबल पे आएंगे आप, यहाँ पर ये मैंने टेबल दी हुई है, इस पर जब हमारी वेबसाइट पे आएंगे आप rajteachers.net पर, तो यहाँ नीचे नीचे यहाँ पे मैंने एक जगह लगाया हुआ है इसको, यहाँ पर सेवन पे कमीशन की, यहाँ राजस्थान सेवन पे मैट्रिक्स की जो टेब, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टेबल पे पहुंच जाएंगे, इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे इस टेबल के तहत जब हम चलेंगे तो आप L10 में हैं, ये L10 वाली टेबल है, 41,500 आपका मूल वेतन है, तो एक इंक्रीमेंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 42,700, ठीक है, 42,700 के बाद आपको नेक्स्ट लेवल में इसके या तो बराबर हो या इससे ज्यादा हो जस्ट, तो 42,700 से इस टेबल में आना है आपको एसीपी के बाद, तो L11 में आएंगे आप, तो 42,700 से ज्यादा या 42,500 है तो इससे ज्यादा जस्ट क्या है 43,800, तो आपका वेतन निर्धारण जो है एसीपी पर जो वेतन निर्धारण होगा वो L11 में 43,800 पर होगा, यानी कि आपको सबसे पहले आपको मूल वेतन देखना है, उसी मूल वेतन पर यानी कि उसी रो में, यानी कि जैसे L10 है तो L10 में 41,500 पर ही वेतन लगे वृद्धि लगेगी, न कि इसमें वेतन वृद्धि लगेगी, इसी में वेतन वृद्धि लगाते हुए उसके बाद जो वेतन वृद्धि वाला जो वेतन आएगा उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको, या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो,
यानी कि 42,700 से ज्यादा इसमें क्या है, 42,500 तो है नहीं क्योंकि बराबर भी नहीं है, और उससे ज्यादा तो इससे जस्ट ज्यादा 42,700 जस्ट ज्यादा L11 में क्या है 43,800, इसलिए आपको ट्रीटमेंट होगा 43,800। इस प्रकार से आपको जो है इस आदेश का लिंक जो है, मैंने हमारी जो वेबसाइट है उसमें मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है ACP पर, ये शिक्षक भर्ती 2012 ACP ऑनलाइन के लिए। इसमें जब आप जाएंगे गूगल पे, जब आप जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे ACP ऑनलाइन शाला दर्पण, यहाँ पे राज टीचर्स, ये ACP इसका एक लिंक मिल जाएगा आपको। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे मैंने इसका कार्यालय का आदेश लगाया हुआ है। इस आदेश में आप आपका फिटमेंट कर लेना, जैसे आपका DO से आदेश आएंगे, और इस पोस्ट को जरूर पढ़ें। इसमें मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है, 2012 वाले जो शिक्षक वर्ग हैं उनके लिए मैंने दिया हुआ है। इसमें आप आपके ACP से संबंधित कुछ भी जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ACP पर फिटमेंट करना है। हमारे चैनल पर सभी नए साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।